नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टोनी मिनाटी चैनल। एंड आज मैं जिस डिवाइस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है बोया का BY M1 माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक चैनल ओपन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल, या फिर कोई व्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर कोई चैनल अभी आप चला रहे हैं बट उसमें आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बेस्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ बोया का BY M1। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये रहा बोया का BY M1 माइक्रोफोन, जो कि क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया है, प्राइस भी इसकी ठीक है। तो आज हम इसी बोया BY M1 माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है एंड किस तरीके की वॉइस जो है इस माइक्रोफोन के साथ आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गया है हमारा अमेज़ोन से बोया का BY M1 माइक्रोफोन, जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। मैंने पैकेट पहले ही ओपन कर लिया था, तो देखते हैं हमारे बोया BY M1 को। तो यहाँ पे कुछ बिल है तो इसे साइड में रख देते हैं। एंड ये है हमारा बोया BY M1 माइक्रोफोन, जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा है। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये आपको मैं बता देता हूँ। आप इसे अपने स्मार्टफोन DSLR कैमरा से भी एंड PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हाई क्वालिटी कंसीडर की एक जो है ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी और आपको जो है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक रैक्सिन का बैग मिलता है बॉक्स खोलते ही, जिसके अंदर आपका सारा सामान है। यहाँ पर आपको इस बैग में देखने को मिल जाते हैं माइक्रोफोन जो है मैंने पहले ही निकाल दिया था साइड पे, तो वो बाहर रखा हुआ है। बाकी इसके अंदर आपको एक बोया का एक रैक्सिन बैग देखने को मिल जाता है, साथ में एक मोनोपिन मिल जाती है, एक सेल मिल जाता है। इस सेल का यूज़ आपको जब करना होता है, तब आप अपने DSLR में इस माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड गाइस, साथ में एक वारंटी कार्ड है एंड एक बोया का यूज़र मैनुअल है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने माइक्रोफोन को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा है बोया का BY M1 माइक्रोफोन। ये देखिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। वायर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आप बहुत ही आसानी से जो है अपनी वीडियो को एक बेस्ट क्वालिटी में बना सकते हैं। वायर की यहाँ पे कोई कमी नहीं दी है कंपनी ने, बहुत ही अच्छी वायर, क्वालिटी में भी अच्छी है एंड लेंथ में भी अच्छी है। एंड यहाँ पर जो है इस यहाँ पर आपको बटन दिए गए हैं, जिससे आप कैमरे मोड पे इसे यूज़ कर सकते हैं एंड स्मार्टफोन मोड पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप यूज़ करना चाहते हैं। एंड इसके अंदर जो है आपको अपना सेल लगाना पड़ता है जब आप DSLR का यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना सेल लगाना होता है जब आप DSLR में वीडियो बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, यही है बोया का BY M1 माइक्रोफोन। तो चलिए इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं एंड दिखाते हैं आपको कि किस तरह की ये क्वालिटी दे रहा है एंड कैसा है ये माइक्रोफोन एंड क्या क्या इसकी जो परफॉर्मेंस है और क्या ये प्राइस के हिसाब से ठीक बैठता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना बोया का BY माइक्रोफोन एंड अभी आप मेरी वॉइस सुन पा रहे होंगे कि मेरी किस तरीके की वॉइस जो है आपको मिल रही है। एंड अभी जब मैं इस माइक्रोफोन को अपने स्मार्टफोन में लगाऊंगा तो आपको किस तरीके की वॉइस जो है मिलेगी। तो दोस्तों, अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं एंड अब मैं इस माइक्रोफोन को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या वॉइस हमें मिलती है, कि किस तरह की वॉइस जो है आपको मिल रही होगी। तो दोस्तों, यही है बोया का BY माइक्रोफोन एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। बाहर से जो नॉइस है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है एंड इसकी जो वायर लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर वायर की आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जो है वीडियो को बना सकते हैं। दूरी अगर आप किसी पार्क में या कोई खुली जगह में वीडियो बनाते हैं तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बोया BY माइक्रोफोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड बस यही था आज की वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।